क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 5। यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 6, ओके, एंड सेकंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 2, ओके। नाउ इन्हें रिप्रेजेंट करना है तो हमें पॉइंट चाहिए, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट निकालते हैं, x प्लस इक्वल टू 6। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो y की कितनी आएगी 6, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की कितनी आएगी 6। तो इधर से दो पॉइंट मिलते हैं 0,6 एंड 6,0। नाउ कंसीडर इक्वेशन सेकंड, x माइनस y इक्वल टू 2। इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2, एंड इफ वी पुट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। तो इधर से जो दो पॉइंट मिलते हैं वो 0,-2 एंड 2,0। इन्हें ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन पर 0,6 मतलब y एक्सिस पे 6, तो दिस इज 0,6 एंड 6,0, दिस इज 6,0। सो दिस पर्पल लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y इक्वल टू 6, एंड अनदर पॉइंट 0,-2, दिस इज 0,-2 एंड 2,0। दिस लाइन इज पासिंग, दिस रेड लाइन इज पासिंग 3.0,-2 एंड 2,0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ x माइनस y इक्वल टू 2। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ग्राफ में नोटिस करेंगे तो दिस इज 4, दिस इज 2, तो इसका सॉल्यूशन आया वो आया 4,2। हेंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू